नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। पोर्नोग्राफी केस में फंसे राजकुंद्रा के हर राज की राजदार शिल्पा शेट्टी हैं या नहीं, इस सवाल का जवाब सिर्फ मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ही नहीं बल्कि हर कोई जानना चाहता है। इसीलिए क्राइम ब्रांच की टीम शिल्पा शेट्टी के घर पहुंची थी और पति राजकुंद्रा को साथ लेकर पहुंची थी और आमने सामने बैठाकर दोनों से 6 घंटे तक पूछताछ की गई। क्राइम ब्रांच के सवाल क्या थे और शिल्पा शेट्टी के जवाब क्या थे, ये बताने से पहले ये आपको बता दूं कि खबर आई है कि इस पूछताछ के दौरान शिल्पा शेट्टी 3 से 4 बार फूट फूट कर रो पड़ी। शिल्पा के आंसू जब जब निकले हैं, शिल्पा शेट्टी को फायदा ही हुआ है। साल 2000 में अक्षय कुमार से ब्रेकअप के बाद एक इंटरव्यू के दौरान वो रो पड़ी और बताया कि कैसे अक्षय कुमार ने उन्हें धोखा दिया। नतीजा उनके फैंस के दिल में शिल्पा के लिए दर्द उमड़ पड़ा और उसी साल अक्षय कुमार के साथ आई उनकी फिल्म धड़कन सुपरहिट हो गई। इसके बाद उनका करियर धीरे धीरे डूबने लगा और अपने इसी डूबते करियर को सहारा देने के लिए वो 2007 में ब्रिटेन के रियलिटी शो बिग ब्रदर में पहुंची। शो में उन पर नस्लभेदी टिप्पणी की गई तो उनके आंसू फूट पड़े और शिल्पा के आंसुओं के सैलाब ने ब्रिटेन की संसद तक को तर कर दिया। ब्रिटेन की जनता के दिलों को शिल्पा के आंसुओं ने इतना पसीजा कि वो शो की विनर बन गई। अपने डांस रियलिटी शो में भी जब जब शिल्पा सुपर से ऊपर जाकर रो पड़ती हैं तो शो मेकर उसका प्रोमो बनाते हैं और वो एपिसोड हिट हो जाता है। अब शिल्पा शेट्टी के आंसुओं की एक बार फिर चर्चा हो रही है। क्राइम ब्रांच के सामने उनके 3 से 4 बार फूट फूट कर निकले आंसू क्या उन्हें पोर्नोग्राफी केस में फंसने से बचा लेंगे? क्या शिल्पा शेट्टी के आंसू उन्हें जेल जाने से बचा लेंगे? क्या शिल्पा शेट्टी के आंसू उनके पति पर लगे दाग धो देंगे? पर सबसे पहले जानते हैं कि ये आंसू निकले क्यों। ये तो पूरे मीडिया में छाया है कि शिल्पा शेट्टी पूछताछ के दौरान फूट फूट कर रो पड़ी। कई लोगों को लग रहा था कि शायद शिल्पा को पता ही ना हो कि पति राजकुंद्रा गंदा धंधा कर रहे हैं। कई लोगों को लग रहा है कि हो सकता है कि शिल्पा शेट्टी पति के पकड़े जाने पर रो पड़ी हो। तो किसी को लगता है शिल्पा को खुद इस मामले से बचाने के लिए यह सब इमोशनल ड्रामा करना पड़ रहा है। वैसे ये भी हो सकता है कि राजकुंद्रा के काले कारनामों की लिस्ट में ये पहला ऐसा मामला है जिसमें राजकुंद्रा जेल पहुंचे हैं और पुलिस घर तक पहुंच गई है, तो शिल्पा शायद घबराहट में रो पड़ी हो। जो भी हो, लेकिन ये तय है कि इस बार शिल्पा के इन आंसुओं की धार से राजकुंद्रा के कारनामे तो नहीं धुलने वाले। लेकिन सवाल अब भी यही है कि क्या शिल्पा शेट्टी को राजकुंद्रा के पोर्नोग्राफी एप्स के बारे में पता था या नहीं पता था। कुछ रिपोर्ट्स के माने तो शिल्पा और राजकुंद्रा को जब आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई तो दोनों में बहस भी हुई। शिल्पा अपने पति राजकुंद्रा की उसी व्यान इंडस्ट्रीज की डायरेक्टर थी जिसे लेकर पुलिस ने यह दावा किया है कि कंपनी से पॉर्न कंटेंट अपलोड करके अडल्ट कंटेंट कंपनी कैंड्रिन के जरिए पब्लिश किया जाता था। शिल्पा शेट्टी ने पिछले साल व्यान इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया था और ये वही समय था जब मुंबई क्राइम ब्रांच की महाराष्ट्र साइबर सेल ने 7 OTT प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी किया था जिसमें राजकुंद्रा का हॉट शॉप ऐप भी शामिल था और इन पर अश्लील कंटेंट का आरोप था, जिसके बाद शिल्पा ने राज की कंपनी से इस्तीफा दे दिया था। अब ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही कि आखिर शिल्पा ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया? क्या वो जानती थी कि उनकी कंपनी के जरिए क्या कांड किए जा रहे हैं और ये मामला आगे चलकर उनके गले की हड्डी बन सकता है, या फिर वो इस तरह के कंटेंट के खिलाफ थी? पुलिस ने जब उनसे पूछा कि क्या आपको राजकुंद्रा के पॉन रैकेट के बारे में पता था, इस रैकेट से मिले पैसे व्यान इंडस्ट्रीज में जाते थे जिसकी वो खुद 2020 तक डायरेक्टर रह चुकी हैं, इस पर शिल्पा ने कहा कि जो भी वीडियो हॉटशॉट पर हैं वो पॉन नहीं बल्कि इरोटिक हैं। शिल्पा ने यह भी कहा कि इसके जैसा कंटेंट तो दूसरे OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं जिसमें कई बहुत ज़्यादा ऑब्सीन होते हैं। मतलब ये तो साफ है कि शिल्पा को हॉटशॉट ऐप के बारे में पता था और वो इरोटिक कंटेंट का हवाला देकर उसका बचाव कर रही थी। लेकिन जो 70 पॉर्न वीडियोस मुंबई पुलिस ने कुंद्रा के ऐप से रिकवर करने के दावे किए हैं, तो ऐसे में क्या ये मुमकिन है कि शिल्पा को उसके बारे में ना पता हो? साथ ही राजकुंद्रा की तरह ही शिल्पा ने भी पुलिस को कहा कि उनका उन वीडियोस को बनाने में कोई हाथ नहीं है जिन वीडियोस को क्राइम ब्रांच पोर्नोग्राफ बता रही है। कुंद्रा ने कहा था कि सारी चीजें उसके जीजा प्रदीप बख्शी लंदन से चलाते थे।
वो उससे व्हाट्सएप पर बात करते थे। हालांकि पुलिस का कहना है कि उनके पास कुंद्रा के खिलाफ कई सबूत हैं, जिससे ये बात साफ होती है कि वो सब जानता था और हर चीज से डील करता था, और उसका जीजा जो कि लंदन की कंपनी का मालिक है वो सिर्फ नाम का मालिक है। और अब तो पुलिस को सबूत भी मिल गए हैं कि जीजा के नाम पर बनी इस कंपनी के असली मालिक तो राज कुंद्रा ही थे, और खबर आ रही है कि राज कुंद्रा ने सबूतों को देखने के बाद इस बात को स्वीकार भी कर लिया है। शिल्पा से पूछा गया कि आखिर उन्होंने पिछले साल वियान इंडस्ट्रीज से इस्तीफा क्यों दिया, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि वो खुद का एक चैनल चलाती हैं, उनके और भी कई काम हैं, कई ब्रांड्स के प्रमोशन करती हैं, रियलिटी शो में जज भी हैं, साथ ही वो 14 साल बाद फिल्म इंडस्ट्री के बड़े पर्दे पर वापसी के लिए फिल्म हंगामा 2 की शूटिंग भी कर रही थी, इसीलिए वो वियान इंडस्ट्रीज के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही थी। अब विडंबना देखिए कि जिस फिल्म हंगामा 2 से वो फिल्मों की वापसी कर रही थी, उसकी रिलीज से ठीक पहले ही उनकी असल जिंदगी में हंगामा मच गया। पति पोर्नोग्राफी केस में अरेस्ट हो गया और शिल्पा फिल्म प्रमोशन की जगह पोर्नोग्राफी रैकेट पर प्रतिक्रिया दे रही हैं। जिस दिन फिल्म रिलीज हुई उस दिन पति की जमानत अर्जी खारिज हो गई। जहां फिल्म रिलीज की पार्टी होनी थी वहीं पोर्नोग्राफी केस में पूछताछ हो रही है। शिल्पा से पूछा गया कि राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद उनके ऑफिस से कई डेटा डिलीट किए गए, क्या आपको इसकी जानकारी थी, क्या आप बता सकती हैं कि उस डेटा में क्या था? शिल्पा शेट्टी ने इस बारे में किसी भी तरह की जानकारी होने से मना कर दिया। साथ ही क्राइम ब्रांच ने शिल्पा शेट्टी के बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स भी मांगी है। अब सवाल आता है आंसुओं के रोल का। बताया जा रहा है कि शिल्पा शेट्टी ने रोते हुए क्राइम ब्रांच के अफसरों से कहा कि हॉटशॉट के असली कंटेंट के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी, ना ही हॉटशॉट से मेरा कोई लेना देना है। ये ऐप लंदन में रहने वाले राज कुंद्रा के जीजा प्रदीप बख्शी का है। राज निर्दोष हैं, वो पॉर्न नहीं इरोटिका कंटेंट के प्रोडक्शन से जुड़े हुए थे। पॉर्न और इरोटिका में अंतर होता है, ये समझा रही थी शिल्पा शेट्टी क्राइम ब्रांच के लोगों को। और ये सब बताते बताते आंसुओं की धार से उन्होंने पूरे माहौल को इमोशनल कर दिया। लेकिन शिल्पा के आंसुओं का असर भावनाओं और दिलों पर हो सकता है, पर कानून पर नहीं, क्योंकि कानून इमोशन से नहीं सबूतों और गवाहों से चलता है। इसलिए हर बार की तरह शिल्पा के आंसू उनकी किस्मत की लकीर शायद ही खींच पाएंगे। लेकिन इस बात के बहुत चांसेस है कि शिल्पा शेट्टी के रो रो कर दिए गए घंटों के स्टेटमेंट से शायद वो जेल जाने से बच जाएं, और उन्हीं के दिए बयान से राज कुंद्रा लंबे फंस जाएं। क्योंकि अगर शिल्पा ने वियान इंडस्ट्रीज से इस्तीफा दे दिया था तो पॉर्न कंटेंट के प्रोडक्शन के मामले में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से वो बच सकती हैं। दूसरा, जो उन्होंने सफाई देते हुए अपने बयान में मान लिया कि राज कुंद्रा अपने ऐप्स के जरिए अडल्ट और इरोटिक कंटेंट प्रोडक्शन करते थे, वो ही कुंद्रा के लिए आगे चल के मुसीबत बन सकता है। वो ऐसे है कि राज कुंद्रा भले ही पॉर्न कंटेंट प्रोडक्शन की बात नहीं मान रहे हैं, लेकिन जैसा कि खबरें आ रही हैं कि उसके अंधेरी ऑफिस में एक मिस्ट्री वॉल और छिपाई हुई एक अलमारी मिली है जिसमें कई फाइलें और क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी जानकारियां हैं। उससे भी बड़ा झटका ये कि राज कुंद्रा के ऑफिस के 4 कर्मचारी सरकारी गवाह बनने को तैयार हैं और कैसे ये पूरा पॉन रैकेट चलता था उसकी जानकारी देने को तैयार हैं। साथ ही जैसे जैसे ये मामला तूल पकड़ रहा है, कई वो लड़कियां पुलिस से संपर्क कर रही हैं जिन्हें राज कुंद्रा की कंपनी ने पैसों का लालच और धोखा देकर अडल्ट मूवी के नाम पर पॉन फिल्मों के दलदल में धकेल दिया, और अब तो सट्टेबाजी का एंगल भी शामिल हो रहा है। दूसरी बात यह कि ये मामला सिर्फ पॉर्न इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ नहीं है, जिस तरह से इसके तार सट्टेबाजी से जुड़ रहे हैं वो काफ़ी कुछ इशारा कर रहे हैं। एक सवाल जो सबके जहन में उठ रहा था कि पॉर्न इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, कई ऐसे ऐप्स चल रहे हैं, लेकिन कार्रवाई सिर्फ राज कुंद्रा पर क्यों, तो इसकी वजह सीधी सीधी यह है कि ये मामला सिर्फ राज कुंद्रा की पोर्नोग्राफी साइट या ऐप से जुड़ा हुआ नहीं है, जिस तरह से सट्टेबाजी से ये तार जुड़ रहे हैं और कई बड़े बड़े लोगों के नाम इसमें शामिल होने की बात आ रही है, उससे एक बहुत बड़ा रैकेट आगे चलकर खुलने वाला है। लेकिन आगे क्या होगा, कौन कौन से नाम इसमें शामिल होने वाले हैं, इसके लिए जो मुंबई क्राइम ब्रांच है वो पूरी तरह से सीक्रेट मिशन के तहत अपना काम कर रही है। अभी सिर्फ राज कुंद्रा का नाम सामने आया है, आगे कई और नाम सामने आने वाले हैं। अब ऐसे में शिल्पा शेट्टी के आंसुओं से राज कुंद्रा पवित्र नहीं होने वाले, लेकिन शिल्पा को एक बार फिर अपने आंसुओं से उस चमत्कार की उम्मीद है जिसने हर बार उनकी किस्मत को चमकाया है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।